अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ SST फॉर क्लास 5। टुडे वी विल डू द रीडिंग ऑफ यूनिट नंबर 3, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड्स। यू नो वेरी वेल हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर, 7। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ कॉन्टिनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर chapter continents of the world. There are 7 continents in the world: Asia, Europe, Middle East. These are the examples of it: Asia, Europe, Africa, Australia, South America, North America, Antarctica. So there are also the name of the oceans as well: Pacific, Atlantic, Indian. Okay, Pacific Ocean, these are the name of the oceans. And this is the picture of the 7 continents. Yeah, Europe, Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, and Australia. These are the 7, and the biggest is Asia and the smallest is Australia. So let's start our reading. Open your book, page number 17. So the reading pages are 17 to 19. Okay. Earth was not always comprised of 7 continents. 170 million years ago, आज से 175 million years ago, सालों करोड़ों सालों पहले, 7 continents were all connected in the one super continent. एक ही continent होता था, ऐसे नहीं होते थे जैसे आपको ये दिखाए हुए हैं, ऐसे होता था, ठीक है? यानी कि ये पिक्चर आपको दिखाई हुई है, आगे दे पढ़ते हैं क्या हुआ है। बाय अ वेरी लार्ज ओशन, ये देखिए ये सारा इनकी ओशन है और ये सिर्फ एक ही कॉन्टिनेंट था। दिस सुपर कॉन्टिनेंट वॉज नोन एज पैंजिया। पैंजिया तो उसको हम क्या कहते थे, पैंजिया, दैट इज पैंजिया, कि सारे कॉन्टिनेंट इकट्ठे थे और बाकी इर्द गिर्द एक ही समंदर था। डू यू अंडरस्टैंड दैट, दैट इज कॉल्ड पैंजिया। It slowly began to break apart into 7 different pieces. यानी कि ये फिर आहिस्ता आहिस्ता 7 different pieces में convert हो गए, like that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, pieces and drift to the position we find them in the present. जो position हम आप देखते हैं, पहले कैसा था ये continents, ऐसे पैंजिया के सूरत में, और बाद में ये आहिस्ता आहिस्ता अलग होते गए और बीच में पानी आता गया और फिर ये इस तरह से 7 पीसेज में डिवाइड हो गया, ठीक है? ये इसकी मॉडर्न पोजीशन है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है मूव करना, पोजीशन, ठीक है? कॉन्टिनेंट्स आर वेरी लार्ज लैंड मैसेज फाउंड ऑफ द ऑन द अर्थ। द अर्थ हैज 7 कॉन्टिनेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज। दे आर एशिया, यानी साइज के हिसाब से उन्होंने कहा, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। Some consider North America and South America continents to be just and landmarks referred to be as the American continent. यानी इन दोनों को American continent का नाम दिया है। ज़ाहिर है South और North है। उसके बाद Europe and Asia are also combined at time it refers to Eurasia. Europe और Asia को वो इकट्ठा consider करते हैं तो फिर इसको Eurasia का नाम देते हैं, ठीक है? Each of the 7 continental land masses is diverse and distinctly unique with its own plants, animal, deserts, mountain, river, lakes, culture and weather. Every continent is different from the other continent because of the desert. वहाँ के desert different है, animals different है, wildlife different है, human beings के जो cultures हैं, weather, वो सब कुछ different है, ठीक है? These continents are briefly discussed below. अभी इनके बारे में हम मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे। So first is Asia. Asia is the world's largest continent in size. It also most populated continent, containing around 60% of the world population. दुनिया की 60% जो आबादी है वो सिर्फ इसी continent के अंदर है। बरियाज़म कहते हैं इसको उर्दू में, ठीक है? Mount Everest is the highest peak in the world. It is situated in the Malhangur section of the Himalayas in Asia. Yangtze, क्या पढ़ेंगे इसको, यांगसी,
यांगसी 6,211 किलोमीटर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एंड थर्ड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया का तीसरा बड़ा दरिया है, फ्लो थ्रो चाइना, जो चाइना के जरिए आता है, गोबी डेजर्ट, डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डैट इज़ आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन. गोबी डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया. दीज आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एशिया, यानी कि ये चीज़ें यहाँ पे हैं. चाइना, इंडिया एंड जापान आर द मोस्ट इकोनॉमिकली डिवेलप कंट्रीज, द लार्ज ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द यूनाइटेड अरब अमीरेट्स आर आल्सो इन एशिया. इकोनॉमिक ग्रोथ इन एशिया हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स फॉर मिलियन ऑफ पीपल, डैट देयर इज़ अ ह्यूज पावर्टी गैप. यहाँ पे अगर लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब भी हैं, ठीक है, एंड बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी कि कुछ ज़्यादा ही अमीर हैं, कुछ ज़्यादा ही कम गरीब हैं. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड डेटा रिकॉर्ड्स अराउंड 60% ऑफ द वर्ल्ड पुअरेस्ट पीपल इन लिव इन एशिया, यानी 60% अगर आबादी वहाँ पे है तो 60% पुअर पीपल भी वहाँ पे हैं. दैट इज़ द डिवीजन ऑफ द एशिया. बच्चों ये आपके लिए एक डायग्राम तो है, लेकिन ये एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है. उन्होंने पूछा है आपसे कि एशिया के डिफरेंट पार्ट्स आप बताएं, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे नॉर्दर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथर्न एशिया, सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न एशिया, ठीक है. ये एशिया है, एक ही कॉन्टिनेंट है, और उसको डिवाइड किया हुआ है 6 ग्रुप्स में, ठीक है. ये देखें, ये लिखा हुआ है, एशिया इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 6 रीजन्स एज शोन ऑन द मैप. देयर आर 53 कंट्रीज इन एशिया इंक्लूडिंग रशिया एंड टर्की. रशिया एंड टर्की भी इसके अंदर है, और इसके अंदर कितनी कंट्रीज हैं, 53 कंट्रीज हैं सिर्फ एशिया के अंदर, विच लाई इन बोथ यूरोप एंड एशिया. और रशिया और टर्की वो ऐसे कंट्रीज हैं जो यूरोप और एशिया में भी आते हैं, ठीक है, दोनों कॉन्टिनेंट्स में आते हैं. देयर इज़ आल्सो ताइवान, विच इज़ टेक्निकली अ पार्ट ऑफ चाइना, बट इट इज़ नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एज अ कंट्री बाय द यूनाइटेड नेशन. नाउ वी हैव पेज नंबर 19. Mandarin is widely spoken language in Asia. Arabic is another major language. English internationally popular throughout Asia. It is recognized as a official language in many countries of Asia. यानी Asia में ज़्यादातर लोगों की English international language है. Even जैसे हमारे पाकिस्तान में उर्दू है. Even though it does not have significant number of native speakers. Asia is the birthplace of many religious. Asia में बहुत सारे religious यानी मज़हब भी हैं, इस्लाम, हिंदुज़म, बुद्धाइज़म, सिखिज़म, ज़ोरास्ट्रियनिज़म, and people practice their religion freely in Asia. और लोग आराम से अपना freely, आज़ादी से अपना मतलब मज़हब को enjoy करते हैं. Europe. Now we have a Europe. It is the world's third most populated.